दोस्तों आज फिर से आ गई हूँ मैं गुलाम हैदर के सपोर्ट में भगोड़ी के विरोध में। अब कुछ लोग मुझसे कहेंगे भगोड़ी कह रही है और कुछ लोग फिर गालियां देने आएंगे। तो सबसे पहले बता दूं ये वीडियो भगोड़ी के देवरों के लिए है, जो भाभी 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 करके उसकी चमचागिरी करते हैं, उसके आगे पीछे लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जिनके छोटे मोटे चैनल है। उन चैनल को चलाने के चक्कर में वो उसके पीछे जाते हैं, उसकी लाइव में जाते हैं, उसकी वीडियो में जाते हैं। भाभी सपोर्ट करो प्लीज, भाभी मेरा नाम ले लो प्लीज, तो उन लोगों के लिए है भी है। ये वीडियो पूरा देख लेना क्योंकि आज के बाद आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात भगोड़ी के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हो पूरा चक्रव्यूह रच चुके हैं मोबिन मलिक साहब, भगोड़ी पूरी तरीके से जाल में फंस चुकी है। अब भगोड़ी के कुछ जो चाहने वाले हैं उसके देवर या कुछ ऐसा कहें कुछ ऐसे यूट्यूबर जो चाहते हैं अगर ये चली गई तो फिर इनके जो चूल्हे चौके चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। मुझे पता है आप मुझे भी जरूर कहोगे कि तुम भी उसकी कमाई खा रही हो, उसके नाम से खा रही हो। तो बिल्कुल खा रही हो भाई, हमारे देश में आई है, तमाम चीजें कर रही है, गलत गलत कर रही है। अगर उसका पोल पट्टी खोलने में हमारा चैनल ग्रो हो रहा है तो हम जरूर खा रहे हैं, और हम उसका नहीं खा रहे, हम अपने देश में बैठ के उसको नंगा कर रहे हैं, उसकी गलतियों को दिखा रहे हैं, उसकी गलतियां उसे गिना रहे हैं। आपको बुरा लगता है ना कि उसकी बॉडी शेविंग पे कमेंट किया जाता है, उसके आंखों में जो लेंस लगाया उस पर कमेंट किया जाता है, उसकी शक्ल पे कमेंट किया जाता है। तो आप सब वो लोग हो जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भगोड़ी यहां से जाए। बिल्कुल भगोड़ी कह रही, क्योंकि यह महिला 13 साल की उम्र से भागने में है, 13 साल की उम्र में पाकिस्तान में भाग गई थी। और बहुत सारे इसके राज है भी नहीं बता रही, क्योंकि हम भी चाहते हैं ये आसानी से यहाँ से पाकिस्तान जाए या जेल जाए। उसके बाद इसकी कथा कहानी पूरी पता है कि क्या 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 क्या, ये मेरा वीडियो देख रही होगी तो समझ भी गई होगी। तो इसके कारनामे बहुत रहे, जो छोटे पंछी 13 साल की उम्र से भाग रही, अभी तक भागने में ही है, 4 बच्चे होने के बाद भी दूसरे मुल्क में भाग के आ गई, तो उसको भगोड़ी कहने में कौन सी बुराई है भाई। अगर आपको मिर्चें लग रही है तो आप अपने देश की बहन बेटियों को कह रहे हो ना कि उसको ऐसा बोला जाता, उसको ऐसा बोला जाता, उस औरत से कहो इस तरह की हरकतें ना करे दे, भारत देश में है जो बेड़ा प्यारा मुल्क है, हमें प्यार है अपने भारत देश से। आपको तकलीफ होती है ना कि भारत की महिलाएं उन्हें गलत कहती है, तो उसको रोको कि औरतें उस पर उंगली ना उठाए। वो जो करती है छिछोरापन, जो गलत चीजें करती है, उससे आहत हम भारत की महिलाएं उस पर बोलते हैं। आप लोग जो बोलते हो, क्या बोलते हो आप भारत की बेटियों को, आपको शर्म नहीं आता? आप इस देश में रहते हो, उस महिला जो घुसपैठी इनलीगल तरीके से हमारे देश में आके बैठी है, उससे क्या रिश्ता है आपका? कितना कमा लोगे भाई? अगर ये महिला कुछ ऐसा कर गई आने वाले समय में तो आप रहोगे जवाबदारी इसकी, आपकी रहेगी जवाबदारी। तो भगोड़ी के देवरों को मिर्चें लग चुकी है, अब इनका इससे इतना गहरा क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से ये करते हैं, जिस तरीके से गाली गली गलौज अश्लीलता का वो करते हैं, इस महिला ने कुछ ही दिन में हमारे भारत के जो पुरुष है उनका दिमाग में ऐसा जादू फैला दिया कि वो इसका इतना गुणगान गा रहे हैं, उनको भारत की हर महिला गद्दार नजर आती है, भारत की हर महिला गलत नजर आती है जो इसका विरोध करती है। क्यों भाई, इसमें ऐसी कौन सी खूबी आपको दिख गई? इसने कौन से आपके देश को हीरा मोती से जड़ दिया, आपके घर में सोने के महल बना दिए आपको? क्या इसने ऐसा कर दिया कि आप इसके लिए सारी भारतीय महिलाओं को गद्दार कहने पे उतर गए? मैं जानती हूँ आप लोगों की मानसिकता बहुत गंदी कर चुकी है औरत, और आगे आने वाले समय में और गंदगी फैलाए ये हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हमारे इतने प्यारे देश में ये अपनी गंदगी का दाग लगाए। इस महिला ने लगातार जो गलतियां की हैं, जिस तरीके से इनलीगल चीजें की हैं, अपने परिवार को धोखा देके, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने घर की नहीं हुई, अपने परिवार की नहीं हुई, अपने कानून की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, तो वो तुम्हारी क्या होगी भाई? हद पार कर देते हो ना हद, एक दायरे में रहो। एक बंदे से मैं 1000 बार कह चुकी भाई इस तरीके की गंदी गालियां मत दे अपने देश की महिलाओं को। क्यों देता है बंदा? सिर्फ इसलिए कि इसको भगोड़ी बोला जाता है, इसको गलत बोला जाता है। आप देखो ना ये करके क्या आई है, कोई मेडल जीत के लाई है अपने आपके देश के लिए, या आपको बहुत सारे हीरे मोती में जड़ के तोल रही है जो इसको आप इनाम दोगे? क्यों सनातन का जो आप आड़ लेते हो ना, आप सनातनी नहीं हो। लोगों के सवाल होते हैं, कुछ सवाल मैं देख रही थी कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ गलत किया जाता है, तो भाई जब आपको लगा था गलत किया जाता था तब सवाल उठाने को कहाँ चले गए थे? आज ये आई ना देश में हमारे गलत कर रही, तो आपको पाकिस्तान में बैठे हुए परेशान हिंदू नजर आ गए? उसके लिए हमारे देश ने कानून बनाया ना, CAA लागू है, अगर वो यहाँ आते हैं तो भारत शरण देगा, उनको नागरिकता भी देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा? वहां जाके किसी का सर तो नहीं फोड़ सकते ना, उसके लिए हमारे कानून है, तमाम चीजें हैं। तो आपको क्या अधिकार है वहां बैठे हिंदुओं पे आप निशाना साधो?
केवल हिंदू मुस्लिम करना से क्या आपको इंसानियत नहीं दिखता है? बहुत शर्म की बात है जो लोग कहते हैं कि भारतीय औरतें पाकिस्तान की लाइन में जाती है। तो भाई पहले अपने दायरों को बना लो, आप जानते नहीं आप वहाँ कौन महिलाएं जाती है। वहां पे गुलाम हैदर की बात रखी जाती है, जो बात रखी जाती है कानून पॉइंट पे वो महिलाएं बात करती है, ऐसे गाली गलौज लड़ाई झगड़े नहीं करती। इस औरत ने मजबूर कर दिया कि इसकी बॉडी शेविंग की बात की जाए, इसकी शक्ल पे बात की जाए। ये जिस तरीके की हरकतें करती है, जैसे ठुमका लगाती है तुरंत ये मोदी जी का फोटो उठाती है, तुरंत योगी जी का फोटो उठाती है, फिर रोना धोना करती है, फिर दूसरे ही दिन इसका मुजरा शुरू हो जाता है। तो ये चीज आपको नहीं दिखाई देती है? आप अंधे हो गए हो? आंखों का इलाज कराओ, फ्री कर रखा है सरकारी गवर्नमेंट ने, हमारे सारे हॉस्पिटलों में फ्री इलाज कराया हर बीमारी का। तो आप अपना ट्रीटमेंट कराओ। आप कौन होते हो हमारे भारत की महिलाओं को रोकने वाले? आप कौन होते हो हमारे भारत की महिलाओं से उधर मत जा, उधर मत जा? तुम्हारे घर की चूल्हा चौका वाली औरतें हैं क्या हो? उनको उनके घरों से क्या वो नहीं है, सही गलत का उसका परिवार नहीं जानता है? आपकी मर्जी से पूछ के जाएंगे औरतें जहां जाएंगी? आपकी मानसिकता इतनी गंदी है, अपने घरों की औरतों को रोको जो गलत करती है। वो बेचारियां तो डर के मारे बोलती भी नहीं होंगी, जब मानसिकता आपके अपने देश की महिलाओं के लिए ऐसा है। थोड़ा सा शर्म कर लो, जिस तरीके से गाली गलौज बुरे शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो अपने देश के बहनों के लिए। अपने लिए लड़ने का हर किसी को अधिकार होता है। जिस दिन आपने गलत तरीके से नाम लेके कह दिया ना भाई, उस दिन देख लेना फिर अब यहाँ केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तमाम चीजें, मतलब सारे कानून तुम जैसे लोगों के लिए बने हैं कि तुम केस कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, दूसरा इंसान मुंह अपना बंद करके बैठ जाएगा। सबके अपने अपने काम है, अपने अपने बात रखने का सबको अधिकार है। कोई कहीं जाए अपनी बात रखे, तुम्हें अपनी बात रखनी है रखो, दूसरे से तुम्हें क्या मतलब भाई? सोशल मीडिया ना हो गया तुम्हारे लड़ाई झगड़े का अड्डा हो गया? कोई अपनी बात रख रहा उसे रोकने जा रहे हो, अपनी बात करोगे नहीं? तमीज सीख लिया करो। सोशल मीडिया पे आपको हजारों लाखों लोग देखते हैं, अपनी मान मर्यादा को अपने हाथों से बर्बाद मत करो। यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसका परिवार फंसा, उसके चार मासूम बच्चे फंसे हुए, उसके सच और हक के लिए आवाज उठा रहे, उसके लिए रोकने आते हो आप? दम है ना, रोक के दिखा देना जाओ। जितना आप लोग कोशिश करोगे उतना ज्यादा पब्लिक भड़केगी। ये बात गांठ पाड़ लेना कि आप जैसे लोग ही उकसाते हो लोगों को। फिलहाल भगोड़े के चमचू की तो वाट लग चुकी है, ये तिल मिला चुके हैं, इनको रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इनको लग रहा है भाई जो हम करने जा रहे थे दिमाग का खेल वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कानून है और हम भरोसा करते कानून पर और खुद पर भी भरोसा करते। हम कभी भी अपने देश का कानून और अपने देश के खिलाफ बात नहीं करते। ये महिला हमारे देश में इलीगल तरीके से घुसी है और हम इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक इसको उठा के फेंकेंगे नहीं, जब तक, वो भी कानूनी तौर पर। ये नहीं कि हम वहां घुस जाए उसे मारपीट करें, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी मर्यादा में रहना, अपनी बातों को रखने का हक रखते हैं, अधिकार समझते हैं, हमें भरोसा अपने कानून पे कि हमारा कानून ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेगा। फिलहाल आप लोग जो अपनी मानसिकता को गंदगी से भर चुके हो ना, उस मानसिकता को साफ कर लो, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए खुद का बचना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे गाली गलौज देता है। कई लोग आके बोलते हैं उस चैनल पे आपको गाली दी, उस चैनल पे आपको गाली दी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप अपने अपने चैनलों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मैं अपने चैनल से अपनी बात रखती हूँ। हाँ, अगर कोई मुझे इन्वाइट करता है, किसी टॉपिक पर बात होती है, मुझे चाहते हैं मैं बात रखूँ, तो वहां मुझे किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर की परमिशन लूंगी, अपने हस्बैंड की परमिशन लूंगी, अपने बच्चों की परमिशन लूंगी। आप कौन होते हो मैं रोकने वाले? फिलहाल समझ नहीं आता इस औरत ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि आप लोग सब कुछ अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर चुके हो। सनातन 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 कहते ना, यही है आपका सनातन? हमारा सनातन कभी भी नहीं कहता किसी के घर की बर्बादी करके, किसी का घर उजाड़ के, किसी का घर बेच के, किसी को धोखा दे के तुम किसी और के घर बैठ जाओ, अपने बच्चों को भी ले आओ, उस बेचारे को बर्बाद कर दो और उसको आप सनातन का नाम दे दो। शर्म आती है तुम पे, शर्म कि भारत में ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को सनातनी कहते हैं। हमारा सनातन ये कभी भी नहीं कहता है कि आप दूसरे का घर उजाड़ो। हमारा सनातन कभी भी नहीं कहता दूसरे का धर्म परिवर्तन कर दो। हमारा सनातन कभी भी नहीं कहता तुम एक औरत को इस हद तक वो कर दो। अब ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं चारों तरफ से। अब भगौड़ी के चमचे कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर को रोक दिया जाए, उसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं। जरूर आएगा गुलाम हैदर आपको जवाब देने। फिलहाल देखते रहिए, क्योंकि हम सब गुलाम हैदर के साथ हैं, सच के साथ खड़े हैं। हम किसी पाकिस्तानी के साथ खड़े नहीं हैं, हम एक पिता के साथ हैं जो जिसके साथ गलत हुआ है, जुल्म हुआ है। जाहिर सी बात हो, हमारे जो दुश्मन मुल्क का है,
लेकिन वो हमारे देशों के मामले, हमारे सरकारों के मामले, एक इंसानियत के नाते हमारे देश से उसने गुहार लगाई है ना, हम लोग खड़े हैं उसके लिए। आपको मिर्च लगे ना लगे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस औरत को भगाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, जो करना है कर लो। बाकी दोस्तों क्या कहें, ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं मंजू बिस्कर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज सीखो, अपने वीडियो के माध्यम से समाज में एक अच्छा प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।